हफ्ते हमारे चाचा जान हमारे घर आए थे और वो हमारे लिए तोहफे भी लाए जो वो जाने से पहले हमें देकर गए। जान, मैंने तो अपना तोहफा देख लिया है, अब तुम देखो कि चाचा जान तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तो एक छोटा सा घर है अम्मी जान। जान, ये घर नहीं मनी बॉक्स है। मुराद भाई का तोहफा मेरे तोहफे से ज्यादा अच्छा है, मजे की गेम और मेरा ये मनी बॉक्स। जान बेटा, बुरी बात ऐसे नहीं कहते, हर तोहफा अच्छा होता है। देखो तो ये कितना खूबसूरत है। ये देखो, इसकी छत में एक सुराख है, यहाँ से तुम कॉइन्स इसमें डालोगे और जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इस हिस्से से तुम निकाल भी सकते हो। तो अब बताओ कैसा है तुम्हारा तोहफा, इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, देखो जान। जी हाँ, है तो ये प्यारा, लेकिन ये खाली है। हाँ तो तुम अपनी सेविंग से इसको भर लो और जब ये भर जाएगा तो तुम्हारा तोहफा सबसे कीमती हो जाएगा। मैं सेविंग करूँगा और फिर उन पैसों से मैं आप सबके लिए और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगा, ठीक है अम्मी जान। मेरी पहली सेविंग, मगर ये बॉक्स तो बहुत बड़ा है और अगर इसके अंदर मैं एक एक कॉइन करके डालूंगा तो ये बहुत देर से भरेगा, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। बाबा जान। हाँ? बाबा जान, जरा बात सुनिए। हाँ जान। बाबा जान, क्या आप मेरे मनी बॉक्स में कुछ पैसे डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी भर जाए? ठीक है, ये लो। ये अगर तुम अपनी पॉकेट मनी से कॉइन डालोगे तो ये जल्दी भर जाएगा। ठीक है पापा जान। ये तो अभी भी खाली लग रहा है। मुराद भाई, बात सुने, क्या आप मेरे मनी बॉक्स में कुछ कॉइन्स डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी भर जाए? मगर मैं क्यों तुम्हारे मनी बॉक्स में कॉइन्स डालूं? तुम्हें तो खुद अपनी पॉकेट मनी से सेव करने चाहिए ना। मगर मेरी पॉकेट मनी तो बहुत कम है, अगर मैं उसमें से सेव करके डालूंगा तो ये मनी बॉक्स तो बहुत देर से भरेगा। ये लो। शुक्रिया मुराद भाई। शुक्रिया। ये जान बेटा, तुम्हें खुद सेविंग करनी चाहिए अपनी पॉकेट मनी से। दूसरों से पैसे मांग मांग कर अपने मनी बॉक्स को भरोगे तो सेविंग करना कभी भी नहीं सीख सकोगे जान। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान, लेकिन मैं इसे जल्दी से भरना चाहता हूँ। शुरू तो करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये भर जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है अम्मी जान, अब मैं खुद ही सेविंग करूँगा और इसे जल्दी से भर लूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे। मैं तो बोर हो रहा हूँ इस मनी बॉक्स को भरते भरते, मुझे लगता है ये कभी भी नहीं भरेगा। जान, अगर तुम हर रोज अपनी पॉकेट मनी से कुछ सेविंग करोगे तो ये एक दिन जरूर भर जाएगा, कोशिश तो करो। हाँ, वैसे ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ, चॉकलेट तो बाबा जान ला ही देते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करूँ और इसे ही तक भर लूँ, फिर सबके लिए कुछ ना कुछ लूंगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, अगर मैं कुछ दिन और सेविंग करूंगा तो ये जल्दी पूरा भर जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए मुझे घर टैक्सी करवा के आना पड़ा। और मैं तो अपना वॉलेट भी दुकान पर ही भूल आया, अब पैसे कैसे अदा करूँ? ऐसा करो, अपनी अम्मी जान के पास जाओ और टैक्सी का किराया ले आओ। मगर बाबा जान, अम्मी तो बाजार गई हैं ईद की शॉपिंग करने। ओहो, अब मैं टैक्सी वाले को किराया कैसे अदा करूँ? मुराद बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं? नहीं बाबा जान, मेरे पास तो इस वक्त कोई पैसे नहीं है। ये तो बड़ा मसला हो गया, शायद मुझे टैक्सी वाले को लेकर दुकान पर वापस जाना पड़े, फिर वहाँ से वॉलेट लेकर दोबारा गाड़ी वाले के पास जाना पड़ेगा। फिक्र ना करे, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। लेकिन कहाँ से? अभी आकर बताता हूँ, मेरा मनी बॉक्स। अरे वाह जान, तुमने तो इतने ज्यादा पैसे जमा कर लिए। जी बाबा जान, मैंने सेविंग की है, आप सबने मिलकर मुझे सेविंग करना सिखाया, शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जान बेटा, आखिर तुमने सेविंग करना सीख लिया और ये मेरे काम भी आ गए। मैं फिर से सेविंग करूँगा ताकि टाइम आने पर फिर से सेविंग काम आए। शाबाश जान बेटा। उस दिन मैंने सीखा कि सेविंग के बहुत से फायदे हैं। फिर अगले दिन बाबा जानी ने हमें ईद की शॉपिंग करवाई, बहुत मजा आया। और पता है दोस्तों, मेरा मनी बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ईद पर भर जाएगा। और फिर मेरी ईद कैसी गुजरी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।